है आप सबका मेरे आज के नए वीडियो में। तो बेसिकली जैसा कि नवरात्रि शुरू हो चुका है और बाराबंकी में आपको जगह जगह पे पंडाल देखने को मिलेगी जहाँ पे दुर्गा जी सजी हुई हैं, तो बस उन्हीं में से एक सबसे फेमस प्लेस है यहाँ पे, वो है नगर पालिका जहाँ पे हर साल दुर्गा जी सजती हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज पूरे एक्सप्लोर इस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे, ताकि आप लोग भी, वैसे तो आज सप्तमी का दिन है, आज षष्ठी है ना, सप्तमी है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं और ताकि आप लोग भी यहाँ पे आइए और घूमिए। तो बस बने रहिए मेरे साथ आज के वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा सबसे पहले एंट्रेंस, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ था। उसके बाद यहाँ से हम अंदर जाएंगे, एक बहुत बड़ा सा हॉल है अंदर जहाँ पे माता की मूर्ति रखी हुई है और ये आपका बाहर का एरिया है और काफ़ी अच्छी सजावट की हुई है, हर साल ऐसे ही होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएँगे, ये देखिए इस तरीके से आपको बाहर मिलेगा और बस यहाँ से होते हुए हम अंदर जाएँगे जहाँ पे माता जी का दर्शन आप करेंगे। ये देखिए अंदर, वैसे शोर तो काफी ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुन पाइएगा आई थिंक। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजों का स्टॉल मिलेगा, तो चलिए आपको मैं वन बाय वन करके दिखाती हूँ कि किन किन चीजों का स्टॉल है। जी 2600 का, इसमें गैस देखिए बाहर निकलने का नहीं है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये जो एक गैस है, ये भैया ने बताया 2600 का गैस है, और भी बहुत सारे सेट है। कहाँ से स्टार्टिंग 2600 से है? स्टार्टिंग 1000 का भी है। अच्छा, 1000 का भी है। देखिए मैं इनके स्टॉल पे आई हुई हूँ, इनका जो स्टॉल है वो गैस का है, ये देखिए, और भैया ने बताया कि ये वाला जो गैस है वो 2600 का है, बाकी स्टार्टिंग जो है वो 1000 से है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इस प्लेस को जरूर देखिए, और अगर आपको जरूरत है तो आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट स्टॉल है आपका नारियल का, तो अगर आप नारियल पीना चाहते हैं, नारियल पानी पीना चाहते हैं, जैसे देखिए मम्मी पी रही हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं और पी सकते हैं। चलते चलते थक जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे इस वाले स्टॉल पे आ चुके हैं। तो इन भैया के पास जो है वो, भैया क्या है, भेलपुरी है? अच्छा, कैसे बनाते हैं, कितने का है ये?
रस का है, बेस का है, गत्ते का बताइए मैम। अच्छा, तो ये भैया का जो है भेलपुरी का स्टॉल है, 10 का है, 10 से स्टार्ट है, 10-20 जितने का भी आप चाहते बना। अच्छा, और ये देखिए इमली भी है, खट्टी खट्टी। मम्मी इमली ले ले क्या? हाय मम्मी। तो आप इस वाले स्टॉल पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको भेलपुरी खाने को मिलेगा। और ये देखिए ये पॉपकॉर्न है, हम चलते चलते इस वाले स्टॉल पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीका का अचार है, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं आपने बताया कि बहुत तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अचार है। मिक्स अचार जो है वो 75 रुपीज का आपको 500 ग्राम मिलेगा। बाकी आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा अलग अलग रेंज है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जरूर अचार के इस शॉप को जरूर चेक करिए। उसके बाद गाइज हम यहाँ आ गए। भैया यहाँ पे क्या है? चाय, चाय। अच्छा, तो ये मैम का जो है चाय का स्टॉल है, नंदन चाय स्टॉल। यहाँ पे ये मैम क्या है, कोई कंपनी है क्या? अच्छा, तो इसमें 80 रुपए की 250 का जो चाय है, इससे आपको एक कूपन मिलता है, उसके साथ एक आकर्षक प्राइस भी है। अच्छा जी जी बिल्कुल। और अगर आप ये 30 रुपए की 100 ग्राम लेती हैं तो इसमें भी प्राइस है आपका। अच्छा, 30 रुपए की 100 ग्राम में क्या प्राइस है मैम बेसिकली? इसमें जैसे बेसिकली आपका एक टी मग निकल सकता है। अच्छा, आप एक बिस्किट ले सकती है, वहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, चाय का इनका मैम का जो है वो चाय का स्टॉल है। यहाँ पे इन्होंने नंदन चाय, जैसे उन्होंने बताया कि वो चाय पत्ती यहाँ पे है, और प्लस साथ ही साथ कुछ प्राइजेस भी बताया जी। कितना का? 80 रुपए की चाय है, 250 रुपए। इसके साथ साथ आपको एक कूपन मिलता है 80 रुपए में, और उस कूपन में जो भी निकलेगा यहाँ पे प्राइस वो मिलेगा। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप चाय का जरूर ये सेंटर यहाँ पे आप चेकआउट करिए। ये अगर आप एक 80 रुपए का ये चाय लेते हैं तो साथ ही साथ इसको आपको वहाँ पे जो कूपन है वो मिलेगा। और चाय भी, ये दुकान 25 साल पुरानी है, नाते हैं। और ये देखिए डिपेंड करता है कि आपका कूपन क्या है, उस हिसाब से ये सारे प्राइजेस हैं। तो ये देखिए गाइस, अगर आप यहाँ से खरीदते हैं, कूपन जीतते हैं, तो आपको ये सारे प्राइजेस यहाँ पे मिल सकते हैं। थैंक यू मैम। उसके बाद गाइस ये देखिए, ये चटपटे आपके टिक्की सेंटर हो जाएगा, गोलगप्पे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल थे, और उसी में से एक था हमारा ये इंडियन वेज पनीर शोरमा करके। तो हम यहाँ पे आए, कुछ अलग सा मुझे दिखा, तो बस तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, और मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था साउंड का। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैंने भैया से बोला, भैया एक बना के दो। तो ये देखिए, ये बना रहे हैं, और देखिए कैसे बनाते हैं। स्टॉल है, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो जरूर आप ट्राई करिए। इट्स
यम्मी, बहुत टेस्टी। करते हैं हर साल और यूथ एसोसिएशन की तरफ से यहाँ प्रोग्राम जो है वो होता है। तो अभी देखिए आगे जो है वो एंकरिंग हो रही है, सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं और सब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूल में थे तो हम भी पार्टिसिपेट करते थे और यहाँ पे प्रोग्राम करते थे। तो अगर अब की बार भी मुझे पता होता तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करती। और ये देखिए पीछे टेलीकास्ट होता है, ये पूरा पूरा सिस्टम है। यहाँ पे सब लोग जितने भी लोग हैं वो बैठ सकते हैं, बैठे हुए हैं। और हर एक स्कूल से जो भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहीं पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो बस यहाँ पे सारे बच्चों का प्रोग्राम्स होता है और सब जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से कोई विनर बनते हैं, उनको प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो है वो हर साल यहाँ पे दुर्गा पूजा में होता है। तो बस गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।